नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंट टाइम में आईको मार्केट में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तो आपको मानना ही पड़ेगा। स्पेशली गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बहुत सारे लॉन्च कर रहा है। तो अभी एक नया फोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है आईको Z8X। अभी ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे आ गया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसका जो प्रोसेसर वो देख के लग रहा है कि प्रोबेबली इंडिया पे लॉन्च होगा, लेकिन किसी दूसरे नाम से लॉन्च होगा। तो इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे जो आईको Z8X नाम का स्मार्टफोन जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, इसका फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइस। और जिस प्राइस पॉइंट में अगर इंडिया पे लॉन्च होता है तो प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो आईको के दूसरे हर एक जेड सीरीज के स्मार्टफोन के जैसा कहा जा रहा है कि इस बार की जो पीछे का डिजाइन वो होगा कुछ हद तक ऐसा, मतलब डिजाइन के मामले में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लू, ग्रे और ऑरेंज। फोन का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और वेट होगा 205 ग्राम। और इसके पीछे का जो मटेरियल वो एक्चुअली है मैट फिनिश टाइप का प्लास्टिक बैग। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज LTPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैमलिंग रेट, 580 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट की सब चीज का जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 प्रोसेसर, और उसके साथ आईको की तरफ से एक अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 64 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। और जितना मुझे लग रहा है शायद इसके साथ आपको कोई इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जो फोन टोटल तीन वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 8 128 GB, 8 256 GB और 12 256 GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ हाइब्रिड कास्टर्ड का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 6000 mAh बैटरी, 80 वाट का चार्जर और उसके साथ है USB Type-C का कनेक्टिविटी। तो इसके बाद हम इसे कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करते हैं। आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर जिसके साथ होगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी इस स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि डेफिनेटली मार्केट का पहला होने वाला है, जो कि एक LCD डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैमलिंग रेट, जो कि नॉर्मल वाला जो LCD पैनल उसमें पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, प्रोबेबली 2023 और 2024 साल में बहुत सारे ब्रांड LTPS LCD डिस्प्ले को यूज करेगा, जिसमें आपको AMOLED के जैसा हाई रिफ्रेश रेट और हाई टच सैमलिंग रेट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके साथ AMOLED के अंदर जो ग्रीन लाइन का इशू वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम इसके प्राइस और लॉन्च डेट की बारे में बात करें, कहा जाए कि ये जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में अगर लॉन्च होता है तो प्राइस होगा 20,000 के नीचे या फिर एग्जैक्टली 20,000 पे। और चाइना पे सबसे पहले इस फोन का लॉन्च डेट है अगस्त महीना, और इंडिया पे अगर लॉन्च होता है तो प्रोबेबली आएगा अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास। तो अभी हर वीडियो से देखेंगे क्या 20,000 के प्राइस पॉइंट में ये जो स्मार्टफोन सबसे बढ़िया होगा या फिर इससे बेटर दूसरों की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए इस स्मार्टफोन में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, Infinix GT 10 Pro आज के दिन का सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर दे दिया है। रिव्यू मैं आपको डिलीवरी होने के बाद दूंगा। तो अगर हम इस Infinix GT 10 Pro के साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिजाइन, आपको तो मालूम है आईको आपको क्या देगा, वो ही सेम पुराना जिसाबीटा डिजाइन, लेकिन इसमें आपको मिलेगा मतलब Infinix के फोन में आपको मिलेगा बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप का डिजाइन, मतलब डिजाइन के मामले में Infinix बेटर। डिस्प्ले आईको आपको क्या देगा, LCD पैनल, लेकिन इस Infinix के फोन में आपको मिलेगा 10 bit और वो भी सुपर AMOLED क्वालिटी का डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले के मामले में Infinix बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, आईको आपको देगा स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 प्रोसेसर, जो कि एक्चुअली स्नैपड्रैगन 695 और जो स्नैपड्रैगन 770G दोनों के बीच का प्रोसेसर है, लेकिन उसी जगह पे जो Infinix इसमें आपको मिलेगा Dimensity 8050 प्रोसेसर, जो कि अगर हम Qualcomm के साथ कंपेयर करते तो ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 870 के इक्वल। तो इसका मतलब प्रोसेसर के मामले में Infinix बेटर। कैमरे की अगर बात करें, आईको आपको देगा मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। Infinix आपको देगा 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी, मतलब इसमें भी Infinix बेटर। वेरिएंट की अगर बात करें, दोनों ही फोन सबसे कम पैसे में आपको देगा 8 256 GB का स्टोरेज। आईको आपको देगा LPDDR4X और UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन, Infinix आपको देगा LPDDR4X और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन, मतलब इस मामले में भी Infinix बेटर। और
नेटफ्लिक्स आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट, आईको पे आपको मिलेगा 1+1 मतलब जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। इसके बाद बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन, इस मामले में नो डाउट आईको बेटर क्योंकि 6000 mAh बैटरी, 80W का चार्जर। इन्फिनिक्स आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी और 45W का चार्जर। और ऑडियो सिस्टम में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आज के दिन में आपका बजट है 20,000 रुपए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अभी भी कहूंगा, इन्फिनिक्स GT 10 Pro से बेटर स्मार्टफोन अभी करेंटली 20,000 रुपए और पॉसिबल नहीं। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि जो आईको का जो नया फोन जो लॉन्च होने वाला है, तो अगर ये फोन 20,000 पे इंडिया पे लॉन्च होता है तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।